और इस बीच सीहोर से खबर आ रही है जहां सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर बाढ़ में फंसे 20 से 25 लोगों को बाहर निकाला है। विदिशा सांसद और तमाम अधिकारी वहां मौजूद रहे, तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जहां पर लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सेना का ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन के द्वारा सीहोर से 20 से 25 लोगों को बाढ़ से सकुशल बाहर निकाला गया और विदिशा सांसद भी वहां पर मौजूद रहे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर रेस्क्यू किया गया है सेना के द्वारा और इस ऑपरेशन में बाढ़ में फंसे 20 से 25 लोगों को निकाला गया। विदिशा सांसद और प्रशासनिक अमला वहां पर मौजूद रहा। तो लगातार बाढ़ जैसे हालात निर्मित हैं कई इलाकों में। सीहोर के आसपास नदियां तूफान पर हैं और तूफान की वजह से, बाढ़ की वजह से कई इलाकों में बाढ़ से हालात निर्मित हो गए हैं, जिसकी वजह से सेना को रेस्क्यू ऑपरेशन के माध्यम से बाढ़ में फंसे लोगों को निकालना पड़ा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सीहोर की। तमाम जानकारी के साथ अनुराग शर्मा हमारे संवाददाता सीहोर से जुड़ रहे हैं। अनुराग, जिस प्रकार से खबर आ रही है बाढ़ में फंसे 20 से 25 लोगों को निकाला गया है, अभी क्या कुछ स्थिति है और किस प्रकार से और भी क्या लोग फंसे हुए हैं? मैं बता दूं कि सेना के जवानों द्वारा, जो हेलीकॉप्टर द्वारा सोमला गांव में 20 से 25 लोग फंसे हुए थे उनको निकाला गया है और उसमें प्रशासन भी पूरी तरीके से वहां पर मौजूद है। कलेक्टर, एसपी, एडिशनल एसपी समीर यादव और विदिशा के सांसद रमाकांत भार्गव भी वहां पर मौजूद हैं और लोगों को निकाला जा रहा है। अभी भी वहां पर रेस्क्यू चल रहा है। बिल्कुल, जिस प्रकार से अनुराग बात की जाए, लगातार आसपास के इलाकों में नदी नाले भी जो है वो उनके हालत खराब हैं और रोड भी जाम हो रही है, और क्या कुछ निर्देश शासन द्वारा और कितने लोगों के फंसे होने की खबर आ रही है? मैं बता दूं कि कम से कम एक दर्जन से अधिक गांव बाढ़ में डूबा हुआ है और वहां से लोगों को अभी निकाला जा रहा है। कई लोग वहां पर फंसे हुए हैं, कुछ घरों अभी तक पूरी तरीके से डूब भी चुके हैं। तो बिल्कुल, हेलीकॉप्टर के माध्यम से प्रशासनिक अमला पहुंचा हुआ है। तस्वीरें आप देख रहे हैं सीहोर से जहां पर विदिशा सांसद भी मौजूद हैं, प्रशासनिक अमला भी मौजूद है और पूरी कोशिश की जा रही है सैन्य बल के द्वारा कि जो भी लोग बाढ़ में फंसे हैं उनको सकुशल बाहर निकाला जाए और इसके लिए तमाम टीमें वहां पर तैनात कर दी गई है। लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान स्वयं बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं और इसको लेकर तमाम जो सेना के बल हैं, एनडीआरएफ की टीम हो या फिर तमाम टुकड़ियां, उनको भी अलर्ट कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया अनुराग हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक बार फिर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीहोर से जहां पर रेस्क्यू किया गया है, 20 से 25 लोगों को अभी निकाल लिया गया है, लगातार ऑपरेशन जारी है।